जिस की तरफ से आज कार फिट में शामिल हुए हैं, पैदल आए हैं आप भी, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक हेल्थ के लिए अच्छा है और अदरवाइज टू फॉर एनवायरनमेंट इट इज़ वेरी गुड। एक दिन कार फ्री डे रहता है तो अच्छा है। योर गुड नेम मैम? नरेंद्र कौर जी। पहले कार फ्री डे है, सब पैदल आए हैं या साइकिल पे आए हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क पॉसिबल। थैंक यू। मोर साइकिलिंग इट्स अ गुड थिंग। इवन जस्टिस सूर्यकांत प्रमोट दिस इन हिज रीसेंट जजमेंट। It is a very good initiative taken by the SP Karnal. Your good name, sir? Ashwini Gupta. तो वकीलों ने भी इसमें पहल की है? नहीं, ये एक बहुत अच्छी मूव है और हमारे जो SP साहब ने शुरू किया है, इट्स अ वेरी कमेंडेबल और इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंटर जनरेशनल एक्विटी। तो सर कैसा लगा आज आपका सिस्टम? वेरी फाइन। योर गुड नेम सर? अमित शौरान। जी कार फिडे में आज सभी जजिस ने भी सहयोग दिया है। साइकिल से आए हैं, सेहत अच्छी है, ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है ना। ट्रैफिक पे सुबह जो कोर्ट टाइम है या ऑफिस टाइम है, उसमें जो हैवी व्हीकल है उसको नो एंट्री जोन बनाए ट्रक वगैरह। तो लोगों से अपील करते हैं सर आज? हैं जी, लोगों से भी अपील करते हैं कि साइकिल का? हाँ हाँ, लोगों से बिल्कुल बिल्कुल। बड़े साल बाद चलाया, क्यों भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या नाम सर आपका? डी के मित्तल। सनी पीछे से भाई। अरे नाम पीछे कर लो, पीछे सर। एक सेकंड। आज गुड़गांव की एक एनजीओ है जिनके प्रोत्साहन से करनाल ज़िले में भी कार फ्री डे मनाया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि जो हमारे यहाँ जो हम ऑफिस में आते हैं या जिसने अपने काम पे जाना है, वो अपना कोई ना कोई फोर व्हीलर को यूज़ करते हैं। उससे सुबह के समय 8 बजे से ले कर लगभग सुबह 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से ले कर शाम के 6 बजे तक जो हमारी रोड्स हैं वो अभी इतनी वाइडन नहीं है या उनके लिए जो फुटपाथ पे चलने वाले जो पेडेस्ट्रियन जो हैं उनके लिए वो जगह इतनी प्रॉपर नहीं है, तो उससे बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए सोचा गया है कि भी हफ्ते में एक दिन मंगलवार को कार फ्री डे मनाया जाए, जिससे कि लगभग जो हमारे यहाँ, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तो फिर भी कार का यूज़ कर रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो शॉपकीपर हैं चाहे बिजनेस क्लास है, वो सभी लोग यदि हम 500 गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, कारें यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बजाय यदि वहाँ पर 100 कारें भी हो जाएं, तो उससे के लोगों को जो फुटपाथ पर चल रहे हैं उससे बड़ा आसानी रहेगी। और सबसे बड़ा एक और जो इसका जो फ़ायदा है वो है कि जैसे आजकल पेरिस में क्लाइमेट समिट भी चल रहा है, इससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन जो हो रहा है, उससे भी राहत मिलेगी, इसलिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया। सर, सभी न्यायिक परिसर में आज सभी जज और वकील भी आज लगभग जो है सभी हमारे जो जजेज हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और जो एडवोकेट्स का मैं अभी पता करूंगा, उनको भी कल रिक्वेस्ट की गई थी, तो वो लगभग सभी लोग ने जो है कार फ्री डे मना रहे हैं। इससे लोगों को एक तरह से एक और जो है प्रोत्साहन मिलेगा।
हाँ पेट्रोल का डीजल का वो तो बचत होगी, सबसे बड़ा बचत के अलावा जो है कि जो पोल्यूशन जो होता है, जो हम रोज जो हम इनहेल करते हैं जो गंदी वायु, उससे भी हम बचाओ। सभी पुलिस के अधिकारी भी संदेश दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक भी। हाँ पुलिस अधीक्षक तो इसमें जो है ही इज़ द टॉर्च बीरर, वो तो सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही करनाल जिले में ये चीज़ को दिया है और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।